वहीं कुलगाम के हुंड इलाके में आग की एक वारदात में 4 से 5 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए, जिसमें लोगों का माल का भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, रविवार सुबह यतीम फाउंडेशन के नाम से जाने जाने वाली सामाजिक संस्था ने पीड़ित परिवारों को राशन, तेल और कपड़े देकर उनकी मदद की, ताकि गरीब परिवार अपना गुजारा कर सके। वहीं प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से इन लोगों की अब तक कोई भी मदद नहीं की गई है। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर यतीम फाउंडेशन ने आगे आकर इन लोगों की मदद की। आग कैसे लगी, इसके कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन इस वारदात में 4 से 5 परिवारों का भारी नुकसान हुआ था, जिसमें इनके माल मवेशी भी शामिल। जो ही हमने कल ये सुना कि कुलगाम में आग की एक वारदात हुई है, तो हम कल शाम को ही यहाँ आए और यहाँ पहुँचकर हमने देखा कि 2-4 मकान जो पूरी तरह से खाकस्तर हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं रहा है। तमाम माल अजदाद जो कुछ था वो मकान में, वो सब कुछ जल गया है और उनके वो गाय वगैरह थी वो भी जली पाई यहाँ। तो हमने सोचा कि बैतुलहाल चवलगाम कुलगाम की तरफ से हम कुछ मामला सुनकर करेंगे। आपको जैसे मालूम है कि जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन एक फलाही अदारा है, गैर सरकारी गैर सियासी अदारा है, लोगों की कफालत पर चलता है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हाजी मुश्ताक अहमद के हुक्म के मुताबिक हम यहाँ आए और हमने यहाँ थोड़ा बहुत सामान, खाने का सामान यहाँ लाया, बिस्तर, कमल, तेल, चावल, आटा, जो कुछ इस वक्त हमारे पास मौजूद था, तो हमने फिलफोर वो यहाँ लाया।